चैनल कम से कम 2 साल हो गया बट ग्रोथ नहीं मिल रहा अभी तक भैया, कुछ ऐसा टिप्स विप्स कुछ भी? ये वाला वीडियो में ग्रोथ मिलेगा। गाइस तो आज ही मैं आया हूँ उधर मनोज भाई से मिलने के लिए, आप लोगों की तरह मैं भी आया हूँ। इनका चैनल मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ एंड मेरा मतलब किस्मत अच्छा है कि मनोज भैया भी और देव भैया भी दोनों मिल गए आज। व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज अमन यूकेडी एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइस मैं हूँ अभी धनबाद के झरिया में एंड आज हम लोग जा रहे हैं मनोज दे से मिलने, वो रहते हैं धनबाद में, धनबाद से 5 किलोमीटर दूर बलियापुर में एंड मैं रहता हूँ झरिया में, मेरा यहाँ पर कजन का घर है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे एक बार मिला जाए। अभी मेरे को रोहित भैया जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जिनके साथ मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था जीप वाला, तो वो मेरे को रिकमेंड किए हैं कि एक बार यहाँ पर आए हो, तो मैंने उसे से भी एक बार जाके मिल लो, तुम्हारा यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और ग्रोथ होने का बहुत सारा चांसेस है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार उनसे जाकर मिल लिया जाए एज अ फैन। मीन्स मनोज दे बहुत अच्छे फ्रेंड है रोहित भैया के, मेरे नहीं, मीन्स मुझे वो जानते तक भी नहीं है एंड मैं एज अ फैन ही उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं, वो घर पे भी होते हैं कि नहीं। एक्चुअली रोहित भैया ने बोला था उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, वो घर में रहते नहीं हैं एंड मिलना उनसे थोड़ा सा पॉसिबल टाइप नहीं है। सो देखते हैं क्या होता है। एंड गाइस आप मेरे पीछे जो सीन देख रहे हो ये धनबाद का साइडिंग है, चरिया का साइडिंग है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में सबसाद आलम का जो पहला सीन शुरू हुआ था यानी कि राजकुमार राव का, यहीं पर ही राजकुमार राव का पहला सीन शुरू हुआ था। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोयला वोयला का ये बहुत बड़ा है चरिया का कोल एरिया। मैं यहाँ से निकलूँगा बलियापुर के लिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है बलियापुर, ज़्यादा नहीं। एंड मैं आया हूँ अपने कज़न की स्कूटी से एंड ये जो मेरा पीछे है जो मेरा भाई कैमरा पकड़ा हुआ है ये है मेरा कज़न का दोस्त। सो अभी हम लोग चल कर देखते हैं मनोज दे हम लोग से मिलते हैं कि नहीं, वो घर पे होते हैं कि नहीं, कैसा जाता है ये व्लॉग। सो लेट्स गो। अभी हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए हैं, मीन्स हम लोग को जाना था कुसमा ताड़ जहाँ पर उनका घर है एंड हम लोग इधर आ गए RSP कॉलेज के तरफ एंड अभी हम लोग फिर से घूम कर जा रहे हैं उधर ही कुसमा ताड़ की ओर। सो देखते हैं कितना प्रॉब्लम आता है उनसे मिलने में एंड मिल पाते भी है कि नहीं। सो लेट्स गो। बोल रहे मनोज जी का घर किधर है? इधर अंदर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये है मनोज दे का घर मेरे पीछे, आप देख सकते हो, विदाउट परमिशन अंदर आना मना है। सो मनोज दे तो है नहीं घर में, वो गए हुए हैं धनबाद, तो वो अभी बोले हैं कि 1 घंटा वेट करने के लिए, 1 घंटा में ही कहीं से वो कुछ काम से गए हुए तो 1 घंटा बाद आएंगे। सो ये उनके भाई, या भाई है ना उनके, ये मनोज दे के भाई हैं, इन्होंने बोला कि 1 घंटा बाद आएंगे। सो अभी हम लोग 1 घंटा वेट करेंगे बट बगल में ज्योति श्री नाम की एक धनबाद की बहुत बड़ी यूट्यूबर है, उनका घर भी जस्ट बगल में ही है, ये वो ग्रीन वाला घर उनका है। सो अभी हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं वो ज्योति श्री मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। सो चलते हैं वहाँ पे, उनके बाद रिटर्न जब मनोज दे आएंगे तो उनसे मिलेंगे। सो लेट्स गो। सो अभी मम्मी आई थी उनकी एंड उनकी मम्मी बोली कि ज्योति श्री भी घर में नहीं है आज, लगता है हम लोग किस्मत थोड़ा सा ख़राब है, न मनोज दे घर में न ज्योति श्री घर में, देखते हैं किसी से भी मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। एंड अभी मनोज दे का हम लोग वेट करेंगे 1 घंटा। सो लेट्स सी। सो हम लोग कुसमा कार में ही मनोज दे का वेट कर रहे हैं, ये जो अभी पीछे मेरे कार जा रही है वाइट कलर की, मनोज दे के भाई की कार है एंड उन्होंने बोला कि वेट करो वो आ जाएंगे कुछ देर। सो अभी हम लोग बैठ कर थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे कम से कम 1 घंटा। मनोज दे का गाड़ी आ गया है एंड ये है मनोज दे का न्यू हैरियर जो अभी कुछ दिन पहले लिए थे मनोज भैया का। सो फाइनली मीन्स 2-3 घंटा वेट करने के बाद फाइनली मनोज भैया से मैं मिल लिया। हाय गाइस, तो भाई लोग आए हैं, वेट करना पड़ा इन लोगों को 1 घंटा लगभग ना। मैं एक्चुअली था नहीं घर पे, गया हुआ था थोड़ा काम से धनबाद, तो भाई अभी आए हुए हैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से, बस से ट्रेन से है। क्या वीडियो ब्लॉग्स? हाँ ब्लॉग है, मीन्स अभी मन्यू केडी ट्रैवल और फैशन का मेरा चैनल है। कितना दिन हो गया चैनल? चैनल को कम से कम 2 साल हो गया बट ग्रोथ नहीं मिल रहा अभी तक भैया, कुछ ऐसा टिप्स विप्स कुछ भी? ये वाला वीडियो में ग्रोथ मिलेगा।
जरूर भाई, आपका आप लोग का सपोर्ट रहा तो होप सो ये वीडियो अगर चल जाए और नए ऑडियंस तक अगर पहुंचे वीडियो, रीच अगर मिले, इंप्रेशंस मिले, तो गाइज अगर नए देख रहे हैं वीडियो को, भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू मनोज भैया। मीन्स बहुत मतलब मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं मनोज भैया से मिला हूँ। एक्चुअली मैं उधर रहता हूँ बहुत दूर, एंड इधर मीन्स मेरे को आइडिया नहीं था कि एक्चुअली मैं यही बीबीए मेरा कॉलेज है, बट मेरे को ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि मनोज भैया का घर यहाँ पे है। तो मैं बहुत पहले ही शूट कर लेता, बट फाइनली मीन्स इस चीज़ को लेकर मैं एक साल से वेट कर रहा था कि एक बार उनसे मिलूंगा, एंड फाइनली आज मिल गया। चलो आज मिल लिया, सपना पूरा। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको बहुत पहले से हम देख रहे थे, जब आपका एक तो जो वीडियो नहीं था वो वाला जो थोड़ा सा बाइक का जो वीडियो था आपका, जो खरीदे थे नया बाइक वो नहीं नहीं जो धनबाद स्टेशन में भी शूट किए थे कुछ मोटिवेशन वीडियो टाइप। हाँ उस टाइम से हम आपका वीडियो देख रहे हैं, एंड आपका टेक तो बहुत सारा वीडियो। चलिए थैंक यू इस तरह का सपोर्ट के लिए, गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। एंड आज थोड़ा सा मीन्स दिन मेरा अच्छा है, इसलिए देव भैया भी है साथ में, ये भी आया हुआ आज। देव भैया आए बहुत दूर से। हेलो गाइस, तो आज मैं आया हूँ मनोज भाई से मिलने के लिए, आप लोगों की तरह मैं भी आया हूँ। मीन्स इनका चैनल बहुत दिन से देख रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच। मेरा मतलब किस्मत अच्छा है कि मनोज भैया भी और देव भैया भी दोनों मिल गए आज, बहुत लग अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू भैया, एंड भैया को क्वेश्चन करो वीडियो क्यों नहीं डाल। हाँ भैया आप रेगुलर नहीं रहते वीडियो में, थोड़ा सा आपका ये तो मुश्किल है लेवल पे। अच्छा भैया मीन्स हम लोग छोटे क्रिएटर है तो हम लोग को कुछ ऐसा मत बोला करो, ऐसा मत बोला करो, यही बुरा लगता है अगर कोई नहीं हम लोग छोटा क्रिएटर क्या है, सब तो जीरो से स्टार्ट करता है। मनोज भाई भी जीरो से स्टार्ट किया था, मैं भी जीरो से स्टार्ट किया था, तो ऐसा क्या छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू इतना मीन्स मिलने के लिए और थोड़ा सा देने के लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग आए यहाँ से मिलने के लिए, वही तो अच्छा लगा। थैंक यू मनोज भैया। चलिए बैक कैमरा घुमा, तो चलिए गाइस भाई लोगों से मिल के काफ़ी अच्छा लगा, और फिर से मिलते रहेंगे, देखते हैं मीटअप वीटअप करने का सोच रहे हैं। स्टिल मेरा पैर कहाँ पर आया, मीन्स मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं मनोज भैया से मिल लिया हूँ। वो होता है थोड़ा बहुत नर्वस हो ही जाते हैं, जिनको वीडियोज में देखते हैं फिर उनको मतलब कि अपने आंखों के सामने में देखने से थोड़ा होता है ऐसा। एंड इनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा, जैसा मैंने सुना था, ट्रस्ट मी गाइस, उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छा इनका बिहेवियर है गाइस, इसलिए मतलब बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अभी बिहाइंड द सीन थोड़ा कैमरा का पीछे में भी कुछ बातें करते हैं भाई लोगों से बैठ करके, व्लॉग्स में हर एक चीज नहीं मतलब कि नहीं सूट हो सकता। ठीक है तो मिलते हैं गाइस आपसे आगे, थैंक यू। सो फाइनली गाइस हम लोग मिल चुके हैं मनोज भैया से, एंड उनका बिहेवियर देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत देर वेट किए हैं, 2 घंटा मीन्स ऑलमोस्ट हम लोग 2 घंटा वेट किए हैं उनका, मिलकर अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ मनोज भैया के साथ देव भैया भी मिल गए, हम लोग का दिन बहुत अच्छा था कि मनोज भैया और देव भैया दोनों के साथ एक साथ मिल लिए हैं। सो यही था आज का शॉर्ट जर्नी मीन्स छोटा सा ब्लॉग, जो बहुत दिन से मैं सोच रहा था करने के लिए, सो आज फाइनली कर लिया। सो आई होप यू ऑल गाइज इन्जॉयड दिस ब्लॉग, एंड इफ यू डिड देन गिव अ बिग थम्स अप। मैं खुश बहुत ज़्यादा उन लोग से मिलकर, एक्साइटमेंट बाहर आ रही है मेरी। सो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो